हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यू आर वाचिंग रोहित पाल फिटनेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक कॉमन टॉपिक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मसल जेनेटिक्स की, ह्यूमन मसल जेनेटिक्स की, कि क्या है, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। और आजकल ये जो चलता है, रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह आप देखते हैं, और कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या ट्रेनर्स आपको गाइड करते हैं, बताते हैं कि यार कैसे आप 8-pack एब्स बना सकते हो, या आप अपने बाइसेप्स की पीक को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या आप किसी भी अपने बॉडी पार्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो मसल जेनेटिक्स मतलब कि जो मसल्स की आपकी शेप है, तो जो मसल्स की आपकी शेप है, जो बाय जेनेटिक्स, बाय बर्थ आपको मिली हुई है, तो वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये बात सच है, और मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको लास्ट में। पहले मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम कर क्या सकते हैं अपने मसल्स के साथ। तो हम लोग मसल्स को, मसल्स की हाइपरट्रॉफी कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, हम उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, प्रोटीन न्यूट्रिशन दे के अपने मसल्स को स्ट्रांग और बिग बन सकते हैं। बट जो आपके मसल्स की शेप है, वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। तो अगर कोई आपको कहता है मैं आपके 8-pack एब्स बनवा दूंगा, बट उसकी जो एब्स का जो जेनेटिक्स है वो 6 एब्स की है, तो वो 6 ही रहने वाले हैं, वो 8 नहीं होने वाले। और या अगर आपको कोई कहता है कि चेस्ट इम्प्रूव हो जाएगी, आपका स्टर्नम की जो सेपरेशन है वो बड़ी हो जाएगी, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइजेस आपने करते हुए देखा होगा, प्लेट्स पकड़ के ऐसे स्क्वीज करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी बोलते हैं कि इससे आपकी जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगी, तो ये भी बिल्कुल बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो स्टर्नम सेपरेशन है वो भी आपके टोटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। बहुत से अलग अलग बॉडी बिल्डर्स हैं, और उनकी हर किसी के स्टर्नम की सेपरेशन अलग है, और वो चेंज नहीं कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेसिफिक वर्कआउट फॉलो करके या कोई अच्छी सी एक्सरसाइज लगा के उसको चेंज करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, बॉडी बिल्डर्स को ले लेते हैं, जैसे कि पहले हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं। तो जैसे कि हम टाइगर श्रॉफ की बात कर लेते हैं, उसके जो एब्स हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है, अनइवन है, आपने देखा होगा सब लोगों ने। तो उसको कोई फैशन नहीं है कि अनइवन एब्स लेके घूमने का, उसको वो उसके जेनेटिक्स हैं, वो चेंज नहीं कर सकता है कोर्स। और आप वही आपने शाहरुख खान के देखे होंगे, वो 8 या 10 एब्स हैं, वो लाइन में काफ़ी अच्छे और बहुत अच्छी एब्स की जेनेटिक्स हैं। तो यही मैं अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि यार जैसे आप रॉनी कॉलमैन को दे लो, जो सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर है, सबसे बिगेस्ट बॉडी बिल्डर मैं ये कहूँगा, और उसके जो एब्स हैं वो, उसके एब्स, विजिबल एब्स सिर्फ 4 हैं। कंडीशन इतनी होती है बॉडी, बट जो एब्स की जेनेटिक्स है उसके सिर्फ 4 एब्स हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार कोई किसी भी चीज़ की आप मसल्स की शेप चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे जौन से भी एक्सरसाइजेस आप कर लो। हम कर क्या सकते हैं, वर्कआउट करके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रेन करके उस मसल को ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बस दैट इज़ इट। अच्छा न्यूट्रिशन दोगे ग्रो करेगा, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो वहीं पर रुका रहेगा, ग्रो नहीं करेगा। बट जो मसल्स की शेप है वो वैसी की वैसी ही रहने वाली है, जैसी आपको जेनेटिक्स जीन से मिली है, बाय बर्थ है, वैसे ही रहने वाली है। तो यही मैंने आज टॉपिक कवर करना था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और बहुत जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।